गाइस इस वीडियो में मैच जो कवर करने वाले जो कि सुबह ही मैच खेला जाएगा। हालांकि इस मैच का वीडियो प्री अपलोड कर देगा, आप देखे तो इसका जाके देख लेना। ये जो मैच है 8:10 पे सुबह स्टार्ट हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग सा मैच है, कल दिवाली के दिन है, कल आना चाहिए लक्ष्मी यार अपने पास। मेलबर्न रेनेगार्ड्स वुमेन और मेलबर्न स्टार्स वुमेन के बीच मैच खेला जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग सा मैच है यार ये वाला, मतलब सुबह 8 बजे मैच है, वो वाला मैच भी मैं कवर करूंगा। आप में से 8 बजे तो सब लोग एक्टिव रहेंगे, तो टेंशन फ्री रहना। टेलीग्राम चैनल पे पार्टी जोर से कन्वीन कराना है यार अपने को, तो टेलीग्राम पे जोर से एक्टिव रहना। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, वो सर्च करते हो ना तो मेरे नाम से हजारों फेक चांस है, फेक चांस मेरे नाम से हजारों, तो उनसे दूर रहना। आप ही की जैसे अभी मेरे जो मेन चैनल है, जो ऑफिशियल चैनल है, उस पर 38K से ज़्यादा लोग है, 38,000 से ज़्यादा लोग है, 38,000 से। तो उसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, लिंक 100% काम करता है, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, तो जरूर से टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना। पार्टी आपको 15 मिनट पहले यहाँ पे शेयर कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री। जो आप कब कौन सा रिस्क लेना होता है टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ। और यकीन मानो ऐसा टेलीग्राम चाहे अभी तक कहीं नहीं दिखेंगे, जहाँ आप हर एक मैच कवर करता हो वो भी फ्री में, और फाइनल टीम सबसे पहले मिलता हो वो भी किसी की कॉपी टीम बिल्कुल भी नहीं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन रहेगा। सर एक बार यूजर नेम देख लो, F11 टीम ऑफिशियल यूजर नेम है, और फैंटेसी टीम नाम का चैनल है, आप एक बार देख लो और लोगो वगैरह भी देख लो। तो चलो अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वही लास्ट में स्कोर कार्ड प्रिफे करूंगा कि भाई मैं स्टार्स पे प्रिफे कभी नहीं करता हूँ कि आप स्टार्स पे टीम बनाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ स्किल यूज करके टीम बनाओ, और स्किल भी बढ़ेगी, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। स्किल और एक्सपीरियंस पे आपको टीम बनेगा, ना कि स्टार्स पे। स्टार्स बहाना होता है वो टाइम बढ़ाने के लिए, जो कि मैं प्रिफे नहीं करता हूँ। और एक ही मानो ऐसी टीम कोई नहीं बना पाएगा जितना आप स्किल से टीम बनाओगे, तो भी मैं प्रिफे करूंगा। लास्ट में देखोगे मेलबर्न, जो कि मेलबर्न में ही खेल कर रहे हैं, और ये मैच भी मेलबर्न में ही खेला जा रहा है, तो देखते हैं मेलबर्न रेनेगार्ड्स का। अच्छी टीम है भाई रेनेगार्ड्स, देखोगे रेनेगार्ड्स जो कि हार के आ रही, हालांकि फिर तगड़े प्लेयर्स है, हरमनप्रीत कौर वगैरह भी वरना बैटिंग कर रहे। तो ओपन की थी टैमी ब्यूमेंट, 24 मार के गई, लेकिन जनरली चेस अच्छी करती है, अपनी स्मृति मंदाना जैसी चेस करती है, अच्छी टीम से लास्ट में फर्स्ट बैटिंग की थी। हालिमी तो जो कि भाई बहुत इनफॉर्म प्लेयर है, कोई भी सीरीज उठा के देख लो, वनडे T20 कोई भी फॉर्मेट उठा के देख लो, हर एक मैच में पूरे ओवर बॉलिंग की होगी और ओपन की होगी हर एक मैच में। भाई कैप्टनसी कर रही है, हरमनप्रीत कौर अपनी वनडे बैटिंग कर रही है, देखिए कि बॉलिंग की नहीं की। और जोजा बोरम का मैं क्या करूँ, 2 साल तो आई थिंक ये आउट थी, 2 साल खेली नहीं थी कोई भी मैच, अभी इस साल खेलने आई, पता नहीं क्या है इनका, मतलब यार बॉलिंग कर रही ठीक है बॉलर टीम से, देखिए बैटिंग भी करने आ रही है आजकल, क्योंकि जोजा बोरम बॉलर टीम से बॉलिंग बहुत अच्छी करती है, लिटरल मैन का बॉलिंग बहुत देखता हूँ, अच्छी बॉलिंग करती है जोजा बोरम, लेकिन आजकल बैटिंग से भी फॉर्म में आ रही है, आजकल हिटिंग भी हो रही है। जनरली ये टीम से फिर ना बैटिंग कर रही थी, बट अब फोर ना बैटिंग कर रही है, 2 डाउन। उसके अलावा जिस डॉफिन जो कि टीम से WNCL में ये बंदी कैप्टनसी करती थी, अब वो नीचे बैटिंग कर रही है और जोजा बोरम को ऊपर भेज रही है, वाह देखने में। कॉन्ट्री विप जो कि WNCL में वनडा बैटिंग कर रही थी, अब वो भी नीचे बैटिंग कर रही है, वाह। ये सबका देख कर तो मुझे चेंजेस लगता है कि क्या है यार, मतलब कि ये सब जसप्रीत डोली जो कि वाह WNCL में कैप्टनसी करते, वो ओपनिंग करती तो विकेट कीपिंग करती थी, वो बंदे इधर नीचे बैटिंग कर रही है, ये इनका बैटिंग ऑर्डर में तो। हालांकि वुमेन मैच को मैं हेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब वुमेन मैच सबसे बेस्ट है यार, कोई हेट नहीं करेगा, प्रॉफिट के लिए सबसे बेस्ट मैचेस रहता है आपको पता है। चलो इनका बैटिंग ऑर्डर के लिए हो गया, इसमें ज़्यादा कोई नहीं है, बस एक दो चेंजेस हुए हैं कि हाँ जसप्रीत डोली जो कि ओपनर थे वो ओपन नहीं कर रही है, तो इनमें ज़्यादा कोई डाउट्स ऐसे है नहीं। टॉप ऑर्डर पर जोजा बोरम आ गई थी 4 नंबर पर, और कुछ नहीं है। उसके अलावा सारे कैनेडियन ने से स्टार्ट की, 2 ओवर बॉलिंग की, हैली अब मैच पूरा जाता था पूरे ओवर बॉलिंग की थी करती, इला हेवार्ड अच्छी हिटिंग करती लेकिन बहुत तगड़ी पिटाई भी होती है, 21 रन दे दी थी एक ही ओवर है। जोजा बोरम जो कि 3 ओवर बॉलिंग की, कॉन्ट्री में बॉलिंग कर रही है टीम से, सारा कोटे बॉलिंग कर रही है, मैच पूरा नहीं गया था इसलिए इन्होंने इतना मतलब थोड़ा कम बॉलिंग की, लेकिन इनका पावर प्ले भी बहुत सही है भाई, ठीक है। जोजा बोरम वगैरह हैली मिथ्यूज है, इला हेवार्ड तगड़ी हिटिंग करती है लेकिन नहीं महंगी भी है, सारा कोटे अच्छी है, तो इनका क्लियर हो गया मेलबर्न का। अब एक बार देखते हैं ग्रीन स्टार्स का, मेलबर्न स्टार्स तो देखो सिडनी में खेल के आ रहे हैं, ये भी अच्छी टीम है, ये कोई ख़राब टीम नहीं, अच्छी है, सब अच्छी है यार, ठीक है। सोफिया डंगली इंग्लिश प्लेयर है, ओपन की थी, डक आउट हो गई थी, मैगलेनिंग के साथ ओपन की थी, एलिका कैप्सी इंग्लिश प्लेयर वनडा बैटिंग की थी टीम से, और उसके अलावा ये भी अब भाई एनावे स्विटरलैंड को भी 4 ना बैटिंग कर रहे भी, जहाँ एनवे स्विटरलैंड ऑल आउटर चलो चलेगा, इनका कोई दिक्कत नहीं है, 4 ना बैटिंग करे, मियाओ वाचो फिर ना बैटिंग कर रही है, निकोला फुलटम जो कि 6 ना बैटिंग जनरली करती है, और WNCL भी अच्छी मिडल ऑर्डर के लिए प्लेयर है। किम गेत वाला जो कि अच्छी बॉलिंग करती है हर साल, मतलब कि किम गेत अच्छी बॉलिंग करती है भाई, बहुत तगड़ी प्लेयर है। तो चलो ये सब क्लियर हो गया इनका बैटिंग ऑर्डर क्या है, सोफिया डंगली ओपन की, मैगलिनी की सारी कैप्स वन डाउन, एनवे सोटल ने 4 ना बैटिंग की, मिया वॉचर है, निकोला फेल्टम है, तो इनका बैटिंग ऑर्डर मुझे क्लियर है भाई, सबको क्लियर है। पावर प्ले पर मार नजर मारते किम गेत हमें सकते स्टार्ट की, जबरदस्त बॉलर है, 2021 में इनको देख रहा हूँ अच्छी फॉर्म में चल रही है और बॉलिंग बहुत तगड़ी करती है, 4 ओवर बॉलिंग की
और हिटिंग भी अच्छी करती, लेकिन चारों बॉलिंग के लेकिन विकेट लेस गई, एक अच्छी प्लेयर है एनाबेल सुटेलन, अगर आप चाहो तो कैप्टन भी करके चल सकते हो, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है चारों बॉलिंग के 3 विकेट लेके गई टीम दस, अच्छी प्लेयर टीम दस है, और जनरली एनाबेल सुटेलन हमेशा हमेशा कवर करता हूँ, उसके लिहाज में कहना चारों बॉलिंग के 3 विकेट लेके गई, बट फिर भी कुछ खास नहीं है। उसके अलावा मिली जो कि टीम से 2 ओवर बॉलिंग के लेके विकेट लेस गए, तो फिर जबरदस्त प्लेयर टीम से मैं हमेशा कवर करके चलता हूँ, चारों चार विकेट ले गए। अलीगा कैप्सी जो कि 1 ही ओवर बॉलिंग की, पता नहीं क्यों सासा मुली जो कि जबरदस्त प्लेयर है, WNCL में कैप्टनसी करती थी ऑलराउंडर टीम दस से, 1 ओवर बॉलिंग की अच्छी टीम दस, बस बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें। बाकी जो अपडेट्स हैं देखो 8:10 पर टेली यहाँ पे, मतलब कि आप सोच रहे डेडलाइन है, लेकिन उससे पहले पार्टी आपको मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहना, कल दिवाली के दिन है, लक्ष्मी आना चाहिए अपने पास भाई, टारगेट है। वीडियो को जूस लाइक कर देना बस, बाकी जिम्मेवारी मेरी, वीडियो को जूस लाइक करना और शेयर जरूर शेयर कर देना। अडा बात करते प्लेयर वाइज साइन से यार, जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसको कवर करेंगे, बाकी कल का दिन अच्छा जाना चाहिए, कल दिवाली का दिन है यार, आप सभी को हैप्पी दिवाली सबसे पहले तो, और हमारी तरफ से भी ठीक है हैप्पी दिवाली आप सभी को, आपको आपकी फैमिली को। बात कर विकेट कीपर शिशिर को सबसे पहले वीडियो को जूस लाइक से मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कॉल पर सेट आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और जैसे आप विन भी करें तो प्लीज़ जूस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो सिंपल सा है, मैं आपको जो टीम दूंगा स्किल बेस पे दूंगा, तो उस चीज़ को ध्यान से सुनिए अभी। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, निकोला पेल्टन एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, जोसपे डर्ली भी एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन फर्क है कि जोसपे डर्ली ओपनर है टीम से, लेकिन अभी ओपन नहीं कर रही टीम से, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉग है मेलबर्न रेनेगार्ड्स का, इसलिए ओपन नहीं कर रही है, इनिंग साथ जाते हालांकि ये भी अच्छी प्लेयर, ये विकेट कीपिंग अच्छी करती है, और ये जनरली इनफॉर्म प्लेयर, ये इनफॉर्म नहीं बट ये एक इनफॉर्म प्लेयर, जब भी बैटिंग आती है तो मार के जाती है, और जोसपे डर्ली का फायदा ये है कि बंदी थोड़ी सी उनसे पहले बैटिंग करने आई, मतलब उतना ही समझो, लेकिन अच्छी है टीम से, ये भी दोनों इक्वल है, कोई भी दिक्कत नहीं, किसी को पिकर्स 19-20 का फर्क रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। बट मैं जसप्रीत डेली प्रिफर करूँ स्मॉल की टीम इसलिए कि थर्ड से फोर ऑप्शन है, मैग लेनिंग अच्छी है, हरमनप्रीत कौर वरना बैटिंग कर रहे, हालांकि जूनी वरना बैटिंग है बट वरना बैटिंग कर रही है, टाइमी मोमेंट पिक करेंगे अभी, अभी थर्ड सफर करो, अभी एकदम जल्दीबाजी में टीम नहीं बनाने अपने को, ठीक है। एकदम पहले हम दो जो इंपॉर्टेंट थी उनको हम कवर कर चुके हैं, टाइमी मोमेंट कवर करेंगे, टीम अगर चेस करे तो अच्छी रहेगी, तो फिर डेंगे तब जब टीम पहले बैटिंग करे तो ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों इंग्लिश प्लेयर्स हैं, हालांकि दोनों फॉर्म बहुत बेकार है। उसके अलावा हैली मिथ्यूस अच्छी है, एनाबेल सुटेलन अच्छी है, एलीगा कैप्सी वरना बैटिंग करे, जॉर्जिया बोरे आजकल तगड़ी हिटिंग करे, फोन पे बैटिंग करने आ रही है, किम गेर तो अच्छी प्लेयर है, सिलेक्शन मत देखो, 41% मत देख मेरे भाई, पिक करके चल। उसके अलावा नीचे कोई खास कुछ खास नहीं है, साइड रखते। उसके अलावा सारा कोटे अच्छी है, सोफेडे अच्छी है, सासा मुली साइड टेला बिल्ली को पिक किया, जमाना हो गया, 2020 में मैंने पिक किया पता है यार, उसके बाद मैंने पिक ही नहीं किया यार, पता नहीं क्यों नहीं खेले, जबरदस्त पे 2021 में साथ पिक किया था WBBL में, बट यार अच्छी प्लेयर टीम दस टैला बैल में वो से स्टार्ट करती जबरदस्त है, पता नहीं क्यों नहीं खेल रही सब, सोफे मिली क्यों, आपको याद होगा कितनी तगड़ी हिटिंग करती है, ये सब अवेलेबल नहीं है, तो 11 प्लेयर में किसको पिक करो बड़ा कन्फ्यूजन है। ऑब्वियस बात है मुझे बॉलर चाहिए, तो बॉलर मेरे हिसाब से अवेलेबल है, फेस्टिवेज सासा मुली मुझे चलेगा नहीं, ये नीचे कोई खास नहीं है, ऑलराउंडर देखोगे इलाय अवार्ड बहुत ज़्यादा पिटाई भी होता है, नीचे देखो टैमी पेमेंट के साथ ही जाते ओवरऑल टीम बन चुकी है, और स्मॉली के लिए मेरे हिसाब से परफेक्ट टीम है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई सिलेक्शन उस पर टीम बना दिया, भाई मैं देखो ऐसे ही टीम ही परफेक्ट है भाई, सिलेक्शन पर ऐसे बोलो या फिर स्मॉली लिए परफेक्ट टीम है, लेकिन परफेक्ट टीम है, मैं परसे बोल रहा हूँ, इसमें रिस्क भी नहीं है, और बोलोगे बॉलर कौन सा किस बॉलर पर ट्रस्ट करोगे आप, ये एक अच्छी ऑप्शन तो जरूर से, लेकिन मुझे इससे इतना होप रहता नहीं है, और इनसे तो साफ नहीं है, इन दो से वो होप रहेगा बट इनसे साफ नहीं, बट टीम सही है यार स्मॉली टीम के हिसाब से, बहुत परफेक्ट टीम है, जैसे स्मॉली टीम होना चाहिए वैसा टीम है। कैप्टन से पिक डाली वगैरह खेलो तो देखो मैं जो प्रेफर करूँगा थोड़ा सा लोगों को रिस्की लगे ऐसा वैसा लगे, लेकिन मैं जो भाई स्कूल को बता रहा हूँ एज ए कैप्टन हेली मिथ्यूस, क्योंकि पिच थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली है और स्पिन फ्रेंडली होती तो है, ये काफ़ी अच्छी रहेगी। वाइस कैप्टन में जा रहा हूँ, देखो कुछ लोग बोलेंगे कि इनके साथ जा रहे हो बट एनाबेल सुटेलन भी अच्छी है, वाइस कैप्टन की जॉर्जिया बोरे भी अच्छी है, दोनों को भी कर सकते हो। मैं भी बड़ा कन्फ्यूज है कि एनाबेल सुटेलन को मुझे जनरली मैं हमेशा करता हूँ, इनसे मुझे हिटिंग की बहुत कम हो पड़ी थी, लेकिन ये जबरदस्त प्लेयर है एनाबेल सुटेलन, मतलब वाइस एनाबेल सुटेलन के साथ जा रहा हूँ, ओवरऑल स्मॉल की टीम बन चुकी है, जिसके साथ जाके कॉन्टेक्ट जाके बुक कर सकते, कल दीपावली यार लक्ष्मी आना चाहिए अपने पास, एक तरफा विन करना है अपने को, टारगेट है आप जो से 200 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना, ठीक है 200 लाइक का टारगेट जो से कंप्लीट कर दीजिएगा, आप भी जो से विन करोगे, कल दीपावली का दिन है यार, कल हम सभी को विन करना है। बाकी टीम परफेक्ट है, मैच परफेक्ट है, इन्वेस्टमेंट जाके करो, टीम सही है, लेकिन कुछ भी अरे कुछ लोग एक कैप्सी को भी कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग का कन्फर्म नहीं है, लेकिन अच्छी प्लेटिंग से ग्राली वगैरह जोर से खेल, हरमनप्रीत को कैप्टन कर सकते हो, एलिका कैप्सी को कर सकते हो, किम गर्थ को कर सकते हो, मैगलेनिंग को कर सकते हो, टैमी पेमेंट को कर सकते हो, बाकी सबको तो करोगे ही, सेम टे कॉन्टेस्ट बुक कर दो सेम टीम के साथ, इन्वेस्टमेंट जाके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और मैच परफेक्ट है, सुबह मैच है थोड़ा ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन सही है, आप इस टीम के हेडसेट्स लेके 10 मेंबर्स तक यूज़ कर लेना, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ भाई वे 3 मेंबर्स से खोल के इन्वेस्ट करता हूँ, 3 मेंबर्स भाई, लेकिन आप हेडसेट में भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई कोई डाउट हो तो जू से नीचे कमेंट कर देना, और 200 लाइक लाइक का जो टारगेट है जू से कंप्लीट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जू से शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी को हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से, और आपके फैमिली को भी। चलो मिलते हैं, कोई डाउट हो तो जू से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो जू से कमेंट करना, बाकी स्क्रीन शॉट या कॉन्टेस्ट बुक कर दो।